हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरिटेक एजुकेशन में। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स के अंदर या ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसके बाद आपका 6 से 12 लाख का पैकेज होगा और आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बना पाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CFA के बारे में, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, क्या इस कोर्स की एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 का, मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी CFA की, मार्किंग स्कीम क्या होती है, जॉब कहाँ मिलेगी और सैलरी कितनी होगी आपकी। दोस्तों, CFA के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो MBA एस्पायरेंट है, MCOM करना चाहते हैं या CA और CS एस्पायरेंट है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। CFA के फॉर्म्स आपके जून में अवेलेबल होते हैं, बट लेवल 1 के लिए आप दिसंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेंबरशिप के लिए आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको CFA की मेंबरशिप मिल जाती है। बट उससे पहले भी अगर आप जॉब करते हैं तो आपका अच्छा पैकेज होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर लेवल 1 में आपके 240 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चंस इन मॉर्निंग शिफ्ट एंड 120 क्वेश्चंस इन आफ्टरनून शिफ्ट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन विद 3 चॉइसेस या फिर क्वेश्चन विद 3 यूनिक चॉइसेस। लेवल 1 के अंदर आपके 43% स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया होता है वो पास हो जाते हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 में आपके 20 आइटम सेट क्वेश्चंस आते हैं और इसके अंदर हर आइटम सेट में 6 MCQ होते हैं और इसके अंदर 46% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। लेवल 3 के अंदर आपके आइटम सेट क्वेश्चंस भी आते हैं और एसे टाइप MCQ भी आते हैं। इसके अंदर आपसे 8 से 12 एसे क्वेश्चंस आते हैं और 10 आइटम सेट आते हैं जिसके अंदर 6 MCQ होते हैं और इसके अंदर आपके 54% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। लेवल 1 एंड लेवल 2 का रिजल्ट आपका 60 डेज में आ जाता है एग्जाम होने के और लेवल 3 का 90 डेज में आ जाता है। फीस के एनरोलमेंट की बात करें तो आपके $450 होते हैं, अर्ली, स्टैंडर्ड एंड लेट। तीन तरह से आप फी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अर्ली बर्ड में अप्लाई करते हैं तो $650, स्टैंडर्ड में $950 एंड लेट में $1380। अर्ली बर्ड के लिए आपको मिड अक्टूबर तक अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड के लिए मिड फेब एंड लेट के लिए मिड मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एरियाज क्या होंगे इस कोर्स के बाद? म्यूचुअल फंड फर्म्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रोकरेज फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप बिजनेस डिसीजन रिलेटेड, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। लेवल 1 क्लियर करने के बाद आपकी पैकेज होता है 4 से 6 लाख, लेवल 2 के बाद होता है 6 से 8 लाख एंड लेवल 3 क्लियर करने के बाद आपका पैकेज होता है 8 से 12 लाख रुपए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्रेस करें लाइक बटन को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसके साथ ही प्रेस करें बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियो, फॉलो करें हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।